नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक त्यागी। एक कहावत है कि अगर कभी भी किसी जगह की हकीकत जाननी है तो आप वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछिएगा कि वहाँ की हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत वही लोग बताते हैं। राम मंदिर के बारे में तमाम बातें की जाती हैं, तमाम सच और झूठ बोले जाते हैं कि आखिर वहाँ क्या था क्या नहीं था, राम था मंदिर था या फिर मस्जिद थी पहले। लेकिन मेरे साथ एक इंसान है और वो उधर के ही रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ को लेकर तमाम तरह की बातें चलती हैं। और इनसे बात करके मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आखिर वहाँ था क्या, ये आपको सारी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मदन गोपाल तिवारी। हाँ, मदन गोपाल नाम तिवारी नाम है इनका। और इन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, आप भी सुनेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगा कि वहाँ क्या था। आप मुझे बताइए कि राम मंदिर की जो इतिहास है वो क्या है। भैया इतनी तो इतिहास नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त हालत में ठीक ही ठाक है। अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पे पहले मस्जिद थी, तो कैसे था भाई? जैसे शासन बदला उसी हिसाब से हुआ। अच्छा, उसी हिसाब से हो गया। तो आपने जब देखा शुरुआत में तब मस्जिद थी मंदिर, और जैसे कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़कर उसको मस्जिद बनवा दिया था। नहीं, वो तो हमारी पैदा। अच्छा, वो पता नहीं। नहीं कुछ। लेकिन अभी वहाँ के कैसे हालात हैं हिंदुओं मुस्लिमों में? बढ़िया है, भाईचारा है। हाँ, भाईचारा है। और जब वहाँ पर मस्जिद तोड़वाई गई थी, जब अखिलेश सॉरी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब वहाँ के हालात कैसे थे? फिर भी ठीक ही था, कोई ज़्यादा वैसे लफड़ाबाजी नहीं थी। अच्छा, आप वहाँ कार सेवा करने गए थे? नहीं, मंदिर में नहीं गए थे। नहीं। अगर अब मंदिर बनेगा तो आप जाएंगे? हमारे पास ही तो, हम तो जाते रहते हैं। अच्छा, और क्या, भव्य राम मंदिर। तो अगर जैसे राम मंदिर अब बन गया है, यूपी में आप रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या यूपी में राम मंदिर के बाद बीजेपी की सरकार वापस आएगी? जरूर आएगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि यूपी में राम मंदिर? एक दूसरी बात, अभी योगी सरकार ने दो बच्चों का कानून पास किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक ही किया है जो किया है। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा? ये तो जी अभी नहीं मालूम, आगे जब जैसे होगा वही। अच्छा, तो देखिए ये थे, इन्होंने बताया था कि पहले वहाँ पर मस्जिद थी, उसके बाद में तोड़कर उसको तोड़ा गया। लेकिन देखिए तमाम तरह की बातें हैं, सच क्या है झूठ क्या है वो अलग बात है, लेकिन जितने लोग होंगे उतनी आपको बातें सुनने को मिलेंगी। ये इस बात में, इनकी बात में कितना सच है कितना झूठ है तो वक्त बताएगा और लोगों को पता होगा। लेकिन इन्होंने बताया है कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाया गया था।